चलो तो हम प्लान स्टार्ट करते हैं बाकी तो सब एसोसिएट से बस आप ही हो जिसने पहली बार प्लान देखना है एसोसिएट तो आप भी हो लेकिन प्लान आप आप पहली बार देख रही हैं ठीक है स्टार्ट जल्द खत्म कर सर चलो सभी का स्वागत है आज के जूम सेशन में मैं विवेक तिवारी स्वागत करता हूं सभी का और जितने भी आज एसोसिएट्स हैं एसोसिएट्स हो तभी हैं और हमारे बीच में नीमा मैम है जो कि सिलीगुड़ी से है वेस्ट बंगाल से है ना तो सिलीगुड़ी नाम सुना हो आपने ना सुना हो लेकिन दार्जिलिंग ज़रूर सुना होगा दार्जिलिंग से है मैम बहुत बढ़िया स्वागत है मैम ब्रॉन्ज बनने की बहुत बधाई हो आपको अभी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो संस्था का नाम है वो एस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है और जो हमारी संस्था है वो 9 नवंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी और अभी 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं जो कि एनिवर्सरी इस बार अबू धाबी में सेलिब्रेट की जा रही है संस्था को 13 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं इंडियन आइक बिजनेस अवार्ड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मिलीनियम ब्रिलियंस अवार्ड भारत शौर्य श्री अवार्ड और आप देखें इनका फोर्स मैगजीन में हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका यहाँ पर फोब्स में आया तो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी संस्था है उसके ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं प्रोडक्ट्स के आप देख सकते हैं लाइसेंस है ये संस्था के सर्टिफिकेट हैं एडब्ल्यू के प्रोडक्ट्स एनालिटिकल रिपोर्ट बाय यूरोफेंस एनालिटिकल लैब यूरोफेंस लैब के ये सारे टेस्टेड रिपोर्ट्स हैं प्रोडक्ट्स की एनालिटिकल रिपोर्ट्स और आज संस्था का खुद का कंपनी ऑफिस द्वारिका सेक्टर ट्वेंटी वन में है न्यू दिल्ली में संस्था का वेयरहाउस जयपुर में है प्री इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा रामचंदपुरा जयपुर और सात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं सात फैक्ट्रीज हैं जयपुर के अंदर खुद की है और सात फैक्ट्रीज और अभी बन रही है स्लीपीएस वर्ल्ड बन रहा है पूरा जयपुर के अंदर आज सबसे ज्यादा आयुष स्टैंडर्ड मार्क आप देखें आयुष से सर्टिफाइड है लाइफ ऑफ फ्यू डिकेट्स बैक इन टूडे कुछ समय दशकों पहले जो जिंदगी होती थी उसमें लोग स्वस्थ ज्यादा जीते थे अस्वस्थ कम होते थे लेकिन आज हम देखें लोग अस्वस्थ ज्यादा जीते हैं मेडिकेशन पे जीते हैं क्योंकि पहला जो बीमारियां होती थी इन्फेक्शन के थ्रू होती थी मलेरिया डिप्टीरिया स्मॉल पॉक्स फ्लेक् चिकन पॉक्स कालरा आप देख सकते ट्यूबर क्लॉसेज वो पिंकफ ये सारी बीमारियां कुछ इन्फेक्शन से होती थी महामारी में कन्वर्ट हो जाती थी तो सारे गांव के गांव खत्म हो जाते थे गांव छोड़ना पड़ जाता था लेकिन थैंक्स टू मेडिकल साइंस के इन पर कंट्रोल हो गया लेकिन आज जो लाइफस्टाइल डिजीज है जो कि अनकंट्रोलेबल है और एक बार किसी को हो जाए तो लाइफ टाइम मेडिसिन पर रहना पड़ेगा और इनका कोई इलाज नहीं है आज इनका कोई इलाज नहीं है डायबिटीज शुगर, कुछ भी हो जाए डायबिटीज बीपी, हाइपरटेंशन, कैंसर स्ट्रोक ऐसी डिजीज है कि लाइफ टाइम आपको मेडिकेशन पर रहना पड़ेगा मेडिसिन के साथ जीना पड़ेगा आज ये मेडिकल साइंस के लिए सरदर्द है कारण क्या है वॉट वेंट रॉन्ग नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आज देखें आर्टिफिशियल फार्मिंग हम देखें पहले कि नेचुरल वे में फार्मिंग होती थी अब रासायनिक खादों का यूज किया जाता है यूरिया डीएपी का यूज किया जाता है जिससे पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है तो जिससे सबसे ज्यादा आज बीमारियां और लीवर में होने वाला कैंसर और आज माँ के पेट से भी जो बच्चा हो रहा है उसको भी कैंसर हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण है आज यूरिया डीएपी रासायनिक खाद एनसीएड मेथड ऑफ कुकिंग खाना बनाने की मेथड जंक फूड पहले जंक फूड नहीं होता था आज लोग जंक फूड खाते हैं फिजिकल एक्टिविटी पहले हाइयर थी अब नो फिजिकल एक्टिविटी तो हम देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड का यूज होना कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां, फल और ये देखिए पिक्चर में भी बना हुआ है कैसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं फ्रूट्स में एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण फिजिकल एक्टिविटी का कम होना जल प्रदूषण मॉडर्न कुकिंग रेडिएशन मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन और ये देखिए इलेक्ट्रेशन ऑफ स्पाइसेस मसालों में भी कैसी जो है वो मिलावट होती है तो खान पान पे हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन रेडियोशन वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है तो रिजल्ट है वीक इम्यून सिस्टम और ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं कब किसको किस उम्र में अटैक आ जाए बोल नहीं सकते आज देखो किसी सिंगर को स्टेज पे गाना गाते गाते अटैक आ जाता है किसी को जिम करते करते आ जाता है डायबिटीज की बात करें तो दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज है डब्ल्यू एच ओ ने अलार्म लगा के रखा है इंडिया पे इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अर्थराइटिस जो हड्डियों से संबंधित समस्या है घटियाबाद है ओबेसिटी मोटापा हाइपरटेंशन कैंसर आप देखें कितनी सारी ये बीमारियां हैं तो अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ हम अपने उच्चतम स्वास्थ्य को कैसे अचीव कर सकते हैं तो आंसर एक ही है आयुर्वेद जो हमारी पाँच हजार साल पुरानी सभ्यता है तो आयुर्वेद को अपनाने से हम अपना स्वास्थ्य पैसे दोनों बचा सकते हैं अब बात आती है वेलकम टू तो एस लीपी वेलनेस प्रोडक्ट्स आज आठ कैटेगरी से ज़्यादा प्रोडक्ट है हेल्थ केयर पर्सनल केयर ब्यूटी केयर ओरल केयर फूड सप्लीमेंट एग्रीकल्चर एफ प्रोडक्ट्स और वेटनरी प्रोडक्ट्स पहले आप देखें कि इम्यूनोडॉक रस है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है और हम जानते हैं कोरोना में कितना ये वर्ड हमें सुनने को मिला इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी स्ट्रांग रहती है तो बहुत सारी बीमारियां होती ही नहीं है या होती हैं तो स्वतः ही खत्म हो जाती हैं डायबोडोक डायबिटीज के लिए है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जो आपका जहां भी दर्द है वहां लगाने के लिए ऑर्थोडॉक रस हड्डियों से संबंधित सभी समस्याओं के लिए आज बहुत शानदार इसके रिजल्ट है चाहे नी ट्रांसप्लांट की किसी की नौबत हो एल फोर एल फाइव एस वन एस थ्री एस फाइव जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं हों जिनको इन प्रोडक्ट्स ने सही किया है गाइनोडॉग फीमेल में होने वाले सभी हार्मोनल डिसबैलेंस जितनी भी समस्याएं हैं जो हमारी लेडीज वग़ैरह में फीमेल्स में होती हैं तो उन सब का ये इलाज है आज बाईस बाईस साल जहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे उनके घर में रिजल्ट है ओबीओडॉक मोटापे के लिए थंडर ब्लास्ट नर्वस सिस्टम के लिए आज पैरालिसिस के पेशेंट जैसे सही हो रहे हैं बहुत दमदार रिजल्ट है सो सफेद मूसली कोच बीज वांग बस लो बस मोती बस शुद्ध शिलाजीत बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो आपके नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं कार्डियोडॉक आपके हार्ट के लिए बीपी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत शानदार इसके रिजल्ट है जहां लोगों की चार चार पांच पांच नसें ब्लॉक थी हार्ट की आज वो ब्लॉकेज क्लियर हुआ है बाईपास सर्जरी से लोग बचे हैं लीबोडॉक लीवर की सभी समस्याओं के लिए डॉग किडनी से संबंधित प्रॉब्लम स्टोन किडनी स्टोन के लिए पायलोडॉक पाइल्स के लिए बगासी क्लोरोडॉग आपका लंग, लंग्स फेफड़े सांस संबंधित कोई समस्या है अस्थमा है और भी ब्लड प्यूरिफिकेशन ब्लड में होने वाले इन्फेक्शन हर चीज़ से ये प्रोडक्ट आपको बचाता है और सबसे बड़ी बात इसमें बीट ग्रास अल्फा अल्फा ली पुदीना तुलसी ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है पंच तुलसी पहली तुलसी जो कांच की बोतल में आती है भारत में पाई जाने वाली रामा श्यामा श्वेता वंशी पांचों तुलसी का मिक्स है। नोनी डॉग बच्चों के लिए थायरोडॉग था थायरो थायरो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है थायरोडॉग के फीबोडॉक किसी भी टाइप का फीवर के लिए हर्बल टी है प्रोडॉग बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों में जो समस्या होती है हड्डियों में दर्द होता है तो उसके लिए प्रोडक्ट पाउडर है एडिक्ट एडिकडॉक नशा छुड़ाने के लिए कोई भी टाइप का नशा हो दस दस बुंद सुबह शाम देने से ना इसका रंग है ना स्वाद है ना इसकी खुशबू है और इससे इंसान की इच्छा अपने आप ही खत्म हो जाती कुछ समय बाद चाहे वो नशे करते करते इसको इसका सेवन करता रहे कप डॉग कितनी पुरानी खांसी हो ये उसको सही कर देता है बहुत जबरदस्त डॉग है एलर्जी डॉग वेन डॉग वेरिकोस वेन के लिए किसी भी टाइप की एलर्जी के लिए एलर्जी डॉग त्रिफला एसिडिटी कप्स गैस वगैरह की समस्या के लिए ब्रेन डॉग आपके ब्रेन मानसिक जितना भी आपकी जो हेल्थ है मेंटल हेल्थ है ब्रेन है ब्रेन की सभी समस्याओं के लिए आपका ब्रेन डॉक है जेसी ऑयल बीटॉन जेल इम्यूनिटी ड्रॉप गिलोए कैप्सूल गिलोय जूस और देखें आप सैनिटरी पैड्स आयुष आयुष्वाद पाउडर जनोडॉक वीट ग्रास पाउडर पेनलडॉग स्टीविया जिसको शुगर की प्रॉब्लम है तो अगर उनको मीठा पसंद है तो वो स्टीबिया यूज कर सकते हैं तुर्की डॉक हल्दी का एक्सट्रैक्ट है कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ड्रॉप वीटा मल्टी विटामिन ओमेगा डॉक जो आंखों बालों के लिए बहुत अच्छा है पैराडॉक्स पिरुलना का बना हुआ जो समंदर में हरे नीले कलर की शैवाल पाई जाती है और आपको पता हुआ कछुआ उसको खाता है उसको कछुआ 200-300 साल तक जीता है काउसी डॉक तो काउसी आप देखेंगे यहां पर काउसी डॉक मोरिंगा का सीबक डॉग जूस शुगर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके बैरीडॉग जूस करीबन तीस से ज्यादा जा, बेरीज का इसमें जूस है और फूड सप्लीमेंट में मसल डॉग पाउडर मास डॉग, स्लिम डॉग हाइट डॉग पाउडर ये आपके मसल्स गेन मास गेन और जिसको पतला होना है स्लिम डॉग हाइट जिसको गेन करना है तो हाइट डॉग पाउडर है डॉग पाउडर है एसिडिटी वगैरह के लिए ब्यूटी केयर के सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप देखें बहुत सारे फेस वॉश आपका बॉडी लोशन हेयर डॉग ऑयल हेयर टॉनिक हेयर क्लींजर जो आपके शैम्पू है डेंटोडॉक क्रीम मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट है ये इस रेंज में इसको आयुष ने भी टैग दिया है बिल्कुल भी झाग नहीं बनाता ये और मुँह की सभी समस्याओं को सही कर देता है प्लस जले कटे कहीं घाव हो जाता है तो उस पर भी ये एज एंटीसेप्टिक क्रीम काम करता है और इसको बच्चे भी यूज कर सकते अगर निगल लेते हैं तो भी ये फ़ायदा ही करता है इवन एसिडिटी गैस की समस्याओं को भी सही कर देता है तो बहुत ही शानदार ये टूथपेस्ट डेंटोडॉक क्रीम है ये एग्रीकल्चर के बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो भूविटा है सोइल कंडीशनर जैसा काम करता है जो भूमि के तत्वों को बैलेंस में लाता है आपका बकरनी के टाइम यूज होता है ये आपकी भूमि को बहुत भुरभुरा मुलायमदार उपजाऊ और ये कैचुए लाने का भी काम करता है इसमें कुछ ऐसी सेंट डली है जो कैचु को के अट्रैक्ट करती है चीनी से चीटी आती अट्रैक्ट होती है वैसे ही यह भूबीटा है जो बहुत ही शानदार भूमि को तैयार करता है और उसके बाद इको हरियाली थ्री फॉर्मूला पे जो बीज उपचार में यूज होता है और बीज की जामनेशन को बढ़ाता है और बीजों को एक अच्छी ग्रोथ देता है अंदर तक जड़ें मजबूत होती हैं हमारा भू बीटा इको हरियाली यूज करने से जड़ों में फुटान आती है तो अंदर तक जो ग्रो करती है फसल जिससे फसल की पैदावार भी बहुत बढ़िया होती है ग्रोथ अच्छी होती है मजबूत फसल होती है और ये टॉनिक है बीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूल वृद्धि फूलों का झड़ना रोकता है प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है प्लस आप देखें कि ये आपके फलों को बहुत मजबूत बनाता है चमकदार बनाता है और बहुत शानदार ये ग्रोथ लाता है तो ये एज अ टॉनिक काम करता है एग्रो नाइन्टी नब्बे परसेंट इसमें सिलिकॉन है और ये मार्केट में एट्टी टू तक आपको अवेलेबल मिलेंगे लेकिन हमारी संस्था ने नाइनटी एग्रो एट नंबर अपग्रेड करके एग्रो नाइनटी चिपको लाया है स्टीकर जो आपकी फसलों को एक सिक्योरिटी देता है जैसे तो सार कोहरा कुछ भी पड़ जाता है फसलों को झटका लग जाता है और फसलों के तनों को लचीला बनाता है इससे वो टूटती नहीं है कितनी भी आंधी तूफान आए तो इसका स्प्रे करने से फसलों को लगभग हर तरीके से सिक्योरिटी मिलती है फसल क्या है सुरक्षित रहती है तो एग्रीकल्चर के जबरदस्त प्रोडक्ट हैं और बहुत शानदार इसके रिजल्ट है नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका होम केयर के सारे प्रोडक्ट्स हैं डेली नीड्स के जरूरत के सारे प्रोडक्ट्स एफ एम सी प्रोडक्ट्स इको आरोग्यम टी और जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे बाथवेदा सोप ग्लिसरीन में नीम तुलसी में गोट मिल्क में तो हर टाइप के चार टाइप की सोप है बहुत बेहतरीन सोप है अब बात आती है हमारे बिजनेस प्लान की हेल्थ के बाद वेल्थ प्लान की तो हमारा जो वेल्थ प्लान है जैसे हम देखते हैं दोस्तों हम सारे लोग कहीं ना कहीं मार्केट से पहले हम खर्चा करते हैं तो जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसकी चर्चा भी करते हैं लेकिन दोनों से हमें इनकम नहीं होती है अगर हम कोई मूवी देख के आते हैं तो हमें अच्छी लगती है हम बताते हैं अच्छी मूवी अच्छा डॉक्टर है कहीं ना कहीं हर एक इंसान अस्सी करोड़ की प्रमोशन करता है जब से पैदा होता है जब से मरने तक लेकिन उस प्रमोशन का हमें पैसा नहीं मिलता है लेकिन आज हम स्क्रीन इन सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो ये हर एक चीज का ऐड कर रहे हैं विमल इलायची आप देखें डेरी मिल्क नवरतन तेल हाजमोला लक्स थम्स अप कोल्ड ड्रिंक्स हर चीज का ऐड कर रहे हैं राश्री हर चीज का ऐड कर रहे हैं हर प्रोडक्ट से और इनको बहुत पैसा मिलता है इवन ये दो पांच मिनट के ऐड के इतने पैसे कमा लेते मूवी से भी नहीं कमाते और ये इनका पार्ट टाइम काम है तो आप देख सकते हैं कि पार्ट टाइम क्रिकेट और एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ साथ ये एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं और आम इंसान को ऐसा कोई मौका नहीं है आम इंसान भी एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन करता है लेकिन उसका उसको पैसा नहीं मिलता मेरा सवाल आप सबसे है कि अगर ये इतने सारे सेलिब्रिटीज इतना रिच एंड सक्सेसफुल होने के बाद अगर पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हैं तो क्या हमें नहीं करना चाहिए हमें पक्का करना चाहिए और आज हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसा मौका देती है जो हम भी आज प्रमोशन से पैसा कमा सकते हैं पहले यूज करना है प्रोडक्ट्स गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल और जब हम यहाँ लोगों से शेयर करते हैं जो हम आज तक कर रहे थे जिसका पैसा हमें नहीं मिल रहा था आज करने से हमें यहाँ पर लगभग सात टाइप से इनकम होती है हर प्रोडक्ट का आप देखेंगे एमआरपी है और डीपी है एमआरपी है डीपी है और एसपी है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है डीपी आपका डिस्काउंटेड प्राइस होता है और एस आपका सेल पॉइंट होता है और यहाँ नीचे क्वांटिटी लिखी हुई है तो आपको तीन कैटेगरी यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने की है ट्वेंटी सेवन एस पी फिफ्टी टू एस पी और हंड्रेड एस पी हंड्रेड एस पी की प्रीमियम कैटेगरी के बारे में बता देता हूं लगभग पंद्रह से बीस हजार की आपका ऑर्डर होता है प्रोडक्ट्स का अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स लेके आप बिजनेस को लाइफ टाइम शुरू कर सकते हैं एक ही बार आप हंड्रेड एस के प्रोडक्ट ले लेते हैं तो। और आपको और मैक्सिमम लाख रुपए हफ्ते कमाने का पर मौका होता है एक मैचिंग सेल्स पॉइंट पे दस की इनकम होती है अब ये सात टाइप से इनकम है पहला रिटेल प्रॉफिट है जिसमें आप टू ट्वेंटी परसेंट आप मार्जिन के साथ इनकम ले सकते हैं टीम सेल्स इंसेंटिव में छह लाख महीने तक की आप इनकम ले सकते हैं सेल्स रैंक बोनस में एक से अठारह लेवल तक रैंक बोनस है रिवॉर्ड्स में पचास हजार से दो करोड़ तक का कार फंड है टूर्स एंड ट्रेवल्स में फॉरेन टूर्स है समर बोनाजा में कॉडिलिया क्रूज रिपर्चेस इनकम में बारह लाख महीने तक की इनकम है समर बोनानजा में मनाली जैसलमेर गोवा कॉडिलिय क्रूज जैसलमेर तो ऐसे ट्रिप्स आते हैं नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के नेपाल तो धाबी तो ऐसे ट्रिप्स आते हैं जो आप यहाँ पर अचीव कर है सकते हैं काम एक ही है शेयरिंग विद पीपल और यहाँ पर दाम देखें आप तो लगभग लग सात टाइप से आपको दाम कमाने का मौका है अब दो आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलती है दो ग्रुप मिलते हैं यू की आपकी आईडी होती है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और रजिस्ट्रेशन करके आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाती है आई डी पासवर्ड और यू की आई पर जब देखते हैं तो आपको दो ग्रुप मिलते हैं एक एस टीम मिलती है एक एस टीम और यहाँ पर आप देखें कि रिटेल प्रॉफिट में आपको बताएं जो मार्जिन है अपटू ट्वेंटी परसेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दस हजार की परचेसिंग या सेलिंग पे दो हजार का बेनिफिट एक लाख पे बीस हजार का बेनिफिट दस लाख पे सीधा सीधा आपका दो लाख का बेनिफिट सेकंड जो आपकी टीम इनकम है जो आपकी पेयर इनकम है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ जैसे आपकी यू की आई है और हंड्रेड एस से ये एक्टिवेट होती है लाइफ टाइम आपकी एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद दो एस टीम में एक पर्सन को ज्वाइन कराने से और एस टीम में एक पर्सन को ज्वाइन करा कराने से और ए और बी हंड्रेड हंड्रेड एस के प्रोडक्ट लेके बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको जो इनकम होती है वो एक सौ एस पी के मैचिंग पेयर पे एक हजार रुपए की होती है जो आपके डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और ये इनकम वीकली होती है वन इजू वन के रेशियो से होती है अब पैसा सबको अच्छा लगता है ए और बी सेम काम करेंगे सेम काम करेंगे तो ए ए वन और ए टू को ज्वाइन कराता है और ए वन ए टू हंड्रेड हंड्रेड एस के प्रोडक्ट लेके बिजनेस शुरू करते हैं बी बी वन और बी टू को ज्वाइन कराता है और बी वन बी टू हंड्रेड हंड्रेड एस के प्रोडक्ट्स लेके बिजनेस शुरू करते हैं तो ए का एक मैचिंग पेयर बनता है हंड्रेड एस का तो एक इनकम एक होती है जो ए के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती है बी की इनकम भी एक होती है जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है लेकिन आपकी यू की आई के डाउन में एसयू टीम में भी ए वन ए टू दो पर्सन आते हैं और एसयू टीम में बी वन बी टू दो पर्सन आते हैं तो आपके यहां पर दो पेयर बनते हैं दो मैचिंग पेयर बनने से आपकी इनकम दो हजार होती है जब आपका एक मैचिंग पेयर बना था तो एक हजार रुपए की इनकम हुई थी लेकिन जब आपने काम नहीं किया आप इनको जानते भी नहीं को लाने में कुछ नहीं किया तब आपकी दो की इनकम होती है तो दिस इज कॉल्ड पैसे इनकम पैसिव इनकम क्या होती है इसमें आपकी समय की आजादी भी होती है जब आपने काम किया तब आपने हजार कमाया लेकिन जब आपने काम नहीं किया आप समय की आजादी आपने गेन करी और उसके साथ साथ में आपको दो हजार रुपए की इनकम भी आई टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम तो सबसे बड़ा जो प्लस बेनिफिट होता है बिजनेस मॉडल का वो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम होता है अब आगे टीम वर्क से आप और पैसा कैसे कमाते हैं ए ए वन ए टू यू क्योंकि आपकी टीम में तीन लोग हैं आप मिला के चार और आपके ऊपर जो अपलाइन का सपोर्ट है पांच छह सात ये सारे लोग मिलके पांच नए लोगों को आपके लेफ्ट की टीम में ज्वाइन कराते हैं और राइट की टीम में भी पूरी बी बी वन बी टू आप और आपके ऊपर अपलाइन सपोर्ट मिलके पांच नए लोगों को राइट में ज्वाइन कराते हैं तो पांच मैचिंग पेयर से आपकी इनकम पांच हजार रुपए होती है एक हफ्ते में जब आप या आपकी पूरी टीम के काम से दस नए लोग लेफ्ट में आते हैं आप और आपके पूरी राइट की टीम के काम से दस नए लोग आपके राइट में आते हैं तो एक वीक की इनकम आपकी दस हजार होती है अब आपकी लेफ्ट की टीम में चाहे आप काम करो चाहे आपकी टीम काम करे जितना भी ज्वाइनिंग आपके लेफ्ट में और आपके राइट में भी चाहे आप काम करो चाहे आपकी टीम काम करे और चाहे ऊपर से कुछ सेल आ रही हो तो आपकी राइट की टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग आती है उसकी मैचिंग पेयर बन के आपको इनकम मिलती है जब पंद्रह पेयर का मैचिंग हुआ तो पंद्रह हजार डेढ़ सौ का मैचिंग जब होता है तो डेढ़ लाख मतलब महीने का छह लाख और फिर ये आपका कैपिंग अमाउंट होता है जो आपको आई पे मैक्सिमम डेढ़ लाख रुपए सप्ताह का मिलता है अब आप बात आती है कैटेगरी की तो सत्ताईस एस से शुरू करने में डेढ़ लाख की कैपिंग नहीं मिलती है सिर्फ पचास हजार की मिलती है और बाकी कंपनी प्रॉफिट में जाता है अगर आपने बावन एसपी से आईडी को एक्टिवेट किया है तो फिर आपको एक लाख रुपए की कैपिंग मिलती है पचास हजार करने से आपको पूरी डेढ़ लाख रुपए हफ्ते की कैपिंग मिलती है महीने का छह लाख होता है तो महीने का छह लाख का बेनिफिट जो है वो हंड्रेड एसपी की कैटेगरी से है महीने का चार लाख का जो बेनिफिट है वो आपका बावन एसपी की कैटेगरी से और महीने का दो लाख का जो बेनिफिट है वो आपकी सत्ताईस एसपी की कैटेगरी से है तो इसीलिए हमेशा प्रीमियम कैटेगरी से बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि कब बड़े लेवल पर बिजनेस जाए तो आपका लॉस ना हो आपको फुल कैपिंग मिले नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंक इनकम रैंक बोनस जो मंथली सेल्स ये मंथली होती है वो वीकली होती थी ये वो वन इस्टू वन के रेशियो में होती है पहली वाली इनकम ये टू स्टू वन के रेशियो में होती है आप देखें जब आपका एक लेफ्ट और एक राइट दो ज्वाइनिंग आती है तो एक पेयर बन के एक की इनकम होती है लेकिन कोई सी पर्सन की ज्वाइनिंग हो जाती है चाहे वो ए के थ्रू हो चाहे यू के थ्रू हो चाहे आपके ऊपर अपलाइन के थ्रू हो लेकिन सी पर्सन की टीम में ज्वाइन होने से आपका का रेशियो कंप्लीट होता है जो एक हजार आपको पेयर से मिला था अभी आपका रैंक बोनस पंद्रह सो एक साथ आपको मिलता है सिंगल चेक आपका क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में टोटल इनकम पच्चीस की होती है और आप बनते हैं ब्रोंच डायरेक्टर उसके बाद जैसे ही लेफ्ट की टीम मिलकर छह नए लोगों को लेके आती है राइट की टीम तीन नए लोगों को लेके आती है छ और तीन के रेशियो से तीन हजार पेड़ से पैतालीस सौ का सिंगल आपका रैंक बोनस सिंगल चेक क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में पचहत्तर सौ का टोटल इनकम आप बनते हैं सिल्वर बारह और छ के रेशियो में छ हजार से नौ का रैंक बोनस पंद्रह का टोटल इनकम आप बनते हैं गोल्ड अब पूरी टीम मिलकर काम करके चौबीस नए लोगों को लेके आती है तो आप टीम देखें बारह छह अठारह तो बीस लोग आपके लेफ्ट की टीम में है छह तीन और एक दस लोग आपके राइट की टीम में है तो बारह दो बीस लोग, लोगों को लेके आते हैं प्लस प्लस आप भी हो, प्लस भी हो आपके अपलाइन में सपोर्ट है यहाँ पर आप देखें दस लोग प्लस आप हो प्लस आपके अपलाइन में भी सपोर्ट है लेके बारह लोगों को आते हैं जब चौबीस बारह का रेशो कम्प्लीट होता है बारह हजार पेयर से बीस हजार आपका सिंगल बोनस रैंक बोनस बत्तीस का टोटल आप बनते हैं प्लेटिनम पांचवा जो आपका रैंक है वो आपका एमराल्ड का है जिसमें अड़तालीस चौबीस के रेशियो में चौबीस हजार पेड़ से पैतालीस हजार का रैंक बोनस उनहत्तर हजार का टोटल इनकम यहां एक सिक्योरिटी मिलती है कि दो बच्चों का एजुकेशन संस्था उठाती है अगर आईडी ओनर की डेथ हो गई किसी भी कारणवश तो उनके दोनों बच्चों का बारहवीं तक का एजुकेशन संस्था उठाती है और उसके बाद एक सहायता राशि के रूप में एक लाख से बाईस लाख रुपए तक का फंड देती है और आईडी तो नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर होती ही है आफ्टर डेथ जिससे उसके नॉमिनी के घर में पूरी टीम के काम का पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहे उसके वाइफ को उसके बच्चों को बच्चों के बच्चों को जब जब लोग पैदा होते रहेंगे और बीमार पड़ते रहेंगे सामान खरीदते रहेंगे अपना इलाज करवाते रहेंगे और जब जब ये बेरोजगारी की समस्या बनी रहेगी लोगों को कमाने का मौका चाहिए तब तब उनके घर में पैसा जाता रहेगा क्योंकि तो ये बिजनेस इतना बेहतरीन है जो आपको इतनी बड़ी सिक्योरिटी देता है छठवा रैंक आपका टोपास का है एक सौ के रेशियो में साठ हजार दो लाख दस हजार का टोटल इनकम और आप देखते हैं कि थाईलैंड सेल्फ का ट्रिप आपको थ्री नाइट फोर डेज का यहाँ पे मिलता है थाईलैंड कैप्रोल नेक्स्ट सेवन जो रैंक है वो चौबीस दो सौ चालीस एक सौ बीस का रेशियो एक सौ एक लाख बीस हजार आपका पेयर से और एक अस्सी आपका रैंक बोनस होता है तीन लाख प्लस पचास हजार बाइक फंडे तीन लाख रुपए का टोटल यहाँ पर अचीवमेंट होता है रूबी स्टार सेवेंथ जो आपकी रैंक है वो आप देख सकते हैं है और सेफायर में आप देखेंगे आठवा रैंक है आपका आठवा लेवल है चार सौ अस्सी दो सौ चालीस का रेशियो दो लाख चालीस हजार पेयर से तीन लाख साठ हजार आपका रैंक बोनस छह लाख का टोटल अचीवमेंट सेफायर पे दुबई का ट्रिप कपल के साथ मिलता है दो बच्चों के साथ थ्री नाइट फोर डेज नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टार सफायर 960 480 साठ चार रेशियो में चार लाख अस्सी हजार आपका मैचिंग इनकम दो लाख बीस हजार प्लस छह लाख आठ लाख बीस हजार का सिंगल रैंक बोनस टोटल इनकम आपकी तेरह लाख रुपए सात लाख प्लस छह लाख कार्फन मलेशिया का सेल्फ का ट्रिप फ्री नाइट फोर डेज नेक्स्ट डायमंड की रैंक है जो दसवीं रैंक है उन्नीस बीस नौ सौ साठ का रेशियो नौ लाख साठ हजार पेयर से तीन लाख चालीस हजार का आपका रैंक बोनस तेरह लाख ,00 प्लस नौ लाख बाईस लाख रुपए का टोटल आपका इनकम मॉलदीव्स का कपल के साथ में थ्री नाइट फोर डेज ट्रिप मिलता है और आप बनते हैं यहाँ पर डायमंड हीरा की जो रैंक होती है तो यहाँ पर आपको डायमंड रिकोगशन लेने का मौका होता है बहुत ही ग्रैंड बहुत बड़े लेवल पे होता है ब्लू डायमंड स्विट्जरलैंड का ट्रिप इसमें मिलता है, के साथ night, इसमें जो होती है वो उन्नीस लाख बीस हजार की होती है इसमें जो इस लेवल में जो बोनस इनकम आती है रैंक बोनस वो बाईस लाख रुपए इकट्ठी आती है आपके अकाउंट में टोटल ब्लू डायमंड के लेवल से आप फोर्टी वन लैक्स रूपीस कमाते हैं इकतालीस लाख बीस हजार रुपए, और यहाँ तक अगर आप बात करें दसवें लेवल तक तो करीबन साठ लाख रुपए की इनकम हो जाती है और ये इनकम फिर आपकी वन करोड़ प्लस क्रॉस कर जाती है नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक डायमंड जो कि बारवा लेवल है और इसमें छिहत्तर अस्सी अड़तीस चालीस के रेशियो में अड़तीस लाख चालीस हजार आपका पेयर से आता है तेईस लाख प्लस बारह लाख थर्टी फाइव लैक्स की इसमें इनकम होती है रैंक इनकम और सिक्सटी वन लैक्स फोर्टी थाउजेंड प्लस बारह लाख सेवेंटी थ्री लैक्स प्लस फोर्टी थाउजेंड की आपकी इनकम होती है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का सेल्फ का ट्रिप फोर नाइट फाइव डेज का आपको मिलता है नेक्स्ट रॉयल डायमंड जिसमें टोटल इनकम आपकी होती है एक करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार रुपए सिंगापुर मलेशिया का आपको फैमिली के साथ ट्रिप मिलता है फाइव नाइट सिक्स डेज का ग्राउंड डायमंड की इनकम जो होती है वो दो करोड़ सत्ताईस लाख साठ हजार प्लस उन्नीस लाख का हाउस फंड ऐड करके मॉस्को का कपल के साथ में ट्रिप दो बच्चों के साथ में फोर नाइट फाइव डेज का आपको ट्रिप मिलता है एम्बेसडर रैंक यहां से शुरू होती है पंद्रहवें लेवल से जिसमें टोटल इनकम आपकी चार करोड़ बत्तीस लाख बीस हजार प्लस पच्चीस लाख का कार फंड एड होके ऑस्ट्रेलिया का जो आपका सेल्फ का ट्रिप मिलता है नाइट डेज़ रॉयल की जो इनकम टोटल होती है आठ करोड़ चौसठ लाख चालीस हजार प्लस पैंतीस लाख का कार फंड क्राउन एम्बेसडर में सत्रह करोड़ अट्ठाईस लाख अस्सी हजार प्लस पचास लाख का कार फंड ब्रांड एम्बेसडर जो हमारा अठार लेवल है और 18 लेवल का ये पूरा प्लान है जिसमें साढ़े छत्तीस करोड़ की टोटल इनकम होती है ऑस्ट्रेलिया का फैमिली के साथ मत फाइव नाइट सिक्स डेज का मिलता है और महिपाल सर जो सीकर राजस्थान से हैं सेना इनका बैकग्राउंड था भारतीय सेना और सेना से रिटायरमेंट एज अ हवलदार से रिटायर्ड हुए सर और उसके बाद आज पहले ग्राउंड एम्बेसडर है ने पूरे डायरेक्ट सेलिंग में पहला साढ़े करोड़ रुपए का सिंगल चेक पहली बार लिया ग्राउंड एम्बेसडर का आज लगभग आप देखें अठारह लेवल का प्लान है तो अठारह लेवल की टोटल इनकम अगर आप टोटल करेंगे पहले से लेकर अठारह तक तो लगभग सत्तर करोड़ रुपए होती है जिसमें एंड कार फंड शामिल नहीं है अगर उनका भी जोड़ लो तो आप हंड्रेड करोड़ के प्लान में है सौ करोड़ का पूरा प्लान है और पहले अचीव करने वाले सत्रहवे लेवल तक मिपाल सन है क्योंकि कंपनी को भी सब साढ़े नौ साल हुए हैं साढ़े नौ साल में सत्तर करोड़ पचास करोड़ प्लस का अचीवमेंट बहुत बड़ी बात है और उसके बाद तो अचीवमेंट है आज लगभग टीम तीस लाख से ऊपर की है सेकंड टॉप अचीवर सेकंड मिस्टर शिव कुमार सर जो आर्मी में थे और आप देखे साढ़े पांच करोड़ का सिंगल चेक लेने वाले दूसरे पूरे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में साढ़े नौ साल में इतने कम समय में इतनी बड़ी ग्रोथ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है आज एस लिपीस में आप देखें दो से ज्यादा डायमंड चार सौ से ज्यादा आप देखेंगे लग्जरी कार अचीवर इतने कम समय के अंदर यही एडब्ल्यू की ग्रोथ का रिकॉर्ड बनाने का साढ़े नौ साल में क्योंकि आज तक साढ़े नौ साल में कोई भी इतनी फास्ट अचीवमेंट किसी भी कंपनी का नहीं है तो शिव कुमार सर नसीब खान सर तो आप देखेंगे जो पहले भारतीय सेना में थे और आज रॉयल एम्बेसडर की पे है लगभग बीस करोड़ प्लस इनकम क्रॉस कर चुकी है रेंज रोवर वेलार जैसी गाड़ियाँ सर मेंटेन कर रहे हैं किशन सर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे महेंद्र सर जो आपके जयपुर राजस्थान से हैं वैसे बेसिकली सर हरियाणा से हैं मर्सिडीज अचीवर हैं और आज सर की बात करें तो छः करोड़ प्लस की इनकम सर की टोटल अभी हो चुकी है लगभग छः सात सालों के अंदर और आज सर का एवरेज की अगर बात करें तो महीने 20 का पंद्रह से बीस लाख का सर का एवरेज होता है इनकम का आज महिपाल सर की बात करें तो महीने का आज सत्तर से अस्सी लाख रुपए का महीने का एवरेज होता है इनकम का शिव कुमार सर की बात करें तो पचास लाख का महीने का एवरेज आज इनकम का है नसीब सर की बात करें तो आज महीने का एवरेज पैंतालीस लाख से ऊपर का है महीने की इनकम का एवरेज महेश चौधरी ब्लैक डायमंड सर ब्लैक डायमंड के लेवल पर है और आप देखें मिस्टर नरेंद्र सर ब्लू डायमंड के लेवल पे हैं अपकमिंग ब्लैक डायमंड है मात्र ट्वेंटी फोर ईयर्स की एज में आज देख सकते हैं ऑडी ए फोर ब्लैक कलर की ओन करते हैं और दस लाख रुपए से ज़्यादा आठ से दस लाख रुपए महीने की आज एवरेज इनकम है एस ली पी के थ्रू और मिस्टर तेज बहादुर सर यू पी बनारस से हैं और सर के बैकग्राउंड की बात करें रहे हो सर कभी सेना से बैकग्राउंड है और सागर में रह के सर की शुरुआत हुई और मैंने ऐसा पहला कोई शख्स देखा है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सागर एम सागर के अंदर पिछले पच्चीस तीस सालों के इतिहास में कार लेके आया है आज इसकी कीमत लगभग पैंसठ लाख रुपए है और डी ए फोर व्हाइट कलर की आज ये सागर में इतिहास है कि पहला कोई डायमंड पहले लग्जरी कार अच्छी मात्र सत्ताइस महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस लेने वाले अभी अपकमिंग ब्लू डायमंड लेवल सर तेज बाद दू सर का तो थैंक यू सो मच ये हमारा कॉन्सेप्ट है और मिस्टर आर के मिश्रा सर जिन्होंने भी आर्मी में सर्विस करी सागर में पोस्टेड रहे सर और आज अपकमिंग डायमंड स्टार सेफायर की पोजीशन पे है और थैंक यू सो मच ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्लान है अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं हमारे लीडर से और सबसे पहली बार पहली बार सबसे प्लान देखने वाली हमारे साथ में है नीमा मैम को ही कॉल कर लेते हैं मैम वेलकम अनम्यूट का ऑप्शन सभी को मैं दे देता हूँ अभी आप कर सकते हैं सर आप अपने आप को सारे लोग म्यूट अनम्यूट ऑप्शन मैंने दे दिया है सर्लो वेलकम वेलकम क्लियर हो गया मैम प्लान आपको हाँ सर थैंक्स बहुत हो गया ना बढ़िया थे है ना हम तो अब तो, 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 सेकंड थर्ड फोर्थ सब तो तो ले, ले लेना रहे है रहे